प्रभु राम को सूर्य तिलक करके उनका जन्मोत्सव अयोध्या की पवित्र नगरी में राम मंदिर में मनाया जाएगा। आज देश सदियों की साधना की, पीढ़ियों के बलिदान की सिद्धि को सेलिब्रेट कर रहा है। साथियों, इतनी बड़ी संख्या में आपकी ये उपस्थिति, ये जनसैलाब महान ब्रह्मपुत्र के विस्तार से कम नहीं है। और मैं तो देख रहा हूं ये पब्लिक मीटिंग 3 मंजिला है। एक तो लाखों लोग मेरे सामने बैठे हैं, दूसरे हजारों लोग उधर सामने ऊपर बैठे हैं, और तीसरे सैकड़ों लोग ऊपर ब्रिज पर खड़े होकर के सभा सुन रहे हैं। यानी शायद ये पहली सभा होगी जो 3 मंजिला सभा हो रही है। 4 जून को नतीजा क्या होने जा रहा है ये साफ दिखाई दे रहा है। दिखता है कि नहीं दिखता है? 4 जून क्या होने वाला है ये आज पूरा देश देख रहा है। और इसलिए लोग कहते हैं 4 जून 400 पार। 4 जून, 4 जून, जरा पूरी ताकत से आवाज आनी चाहिए। 4 जून, 4 जून, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, 4 जून, 4 जून, आको ये बार। साथियों, 2014 में मोदी आपके बीच एक उम्मीद लेकर आया था। 2019 में मोदी जब आया तो एक विश्वास लेकर आया, और 2024 में आज जब मोदी असम की धरती पर आया है, मोदी गारंटी लेकर आया है। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। अभी बोहाग बिहू के दिन बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र भी जारी किया है। बीजेपी वो पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलती है। एनडीए सरकार की योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं होता, उनका लाभ हर किसी को मिलता है। अब एनडीए ने ठाना है कि देश के हर नागरिक तक पहुंचकर जिस सुविधा का वो पात्र है वो सुविधा उसे दी जाएगी। अगले 5 वर्षों में गरीबों के लिए 3 करोड़ और नए मकान बनाए जाएंगे, और बिना भेदभाव सबको मिलेंगे।
अगले 5 वर्षों तक आपको मुफ्त राशन ऐसे ही मिलता रहेगा, बिना भेदभाव मिलता रहेगा। आप मुझे बताइए, एनडीए सरकार की योजनाओं में आपको कहीं पर भी भेदभाव का सामना करना पड़ा है? भेदभाव का सामना करना पड़ा है? भेदभाव का सामना करना पड़ा है? साथियों, अब बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में एक और बड़ी घोषणा की है, जिसका लाभ देश के हर घर को होगा, और वो भी बिना भेदभाव के होगा। आप जानते हैं, हर परिवार में आजकल दादा दादी, पिता माता, 70 साल के ऊपर के लोग परिवार में होते हैं, और उनको कोई भी तकलीफ हो तो परिवार के संतानों पर बोझ पड़ता है। बेटे के सारे प्लान बिगड़ जाते हैं अगर पिता दादा माता को कोई बीमारी आ जाए। अगर बेटी की शादी का प्लान बना दिया है और अचानक पता चले कि पिता को बहुत गंभीर बीमारी आई है, माता को गंभीर बीमारी आई है, तो बेटी की शादी का प्लान ही बिगड़ जाता है। और इसलिए मोदी ने तय किया है कि आप जो मेरे भाई बहन हैं, जो 50 साल के होंगे, 40 साल के होंगे, 30 साल के होंगे, 60 साल के होंगे, अपने बुजुर्ग मां बाप की सेवा करते हैं, अब मोदी ने तय किया है, मोदी ने गारंटी दी है कि आपके परिवार में 70 साल की ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं, उनकी बीमारी, उनके इलाज की चिंता ये आपका बेटा मोदी करेगा। इन बुजुर्गों को आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। वो बुजुर्ग गरीब हो, मध्यम वर्ग के हो, गांव के हो, शहर के हो, सैलरी कैटेगरी में आते हो, किसान परिवार के हो या फिर उच्च वर्ग के हो, इसमें भी बिना भेदभाव उनकी इलाज की चिंता मोदी करेगा, और उससे आपके पैसे बचेंगे। आप अपनी योजना के हिसाब से अपने परिवार के सपनों को पूरा कर पाएंगे। इतना बड़ा काम ये मोदी करने वाला है। मेरा भाषण आगे बढ़ाने से पहले, अब 12 बजने में कुछ ही पल बाकी है, अयोध्या में और पूरे देश में प्रभु राम के जन्मोत्सव, प्रभु राम के स्वागत का बहुत बड़ा अभियान चल रहा है, बहुत बड़ा उत्सव चल रहा है। हम भी उससे जुड़ना चाहते हैं, भले हम अयोध्या नहीं पहुंच पाए, हम यहां से प्रभु राम के जन्मोत्सव में जुड़ने के लिए अभी कुछ ही पल में वहां पर सूर्य तिलक होने वाला है। आप भी अपना मोबाइल फोन निकाल करके उसकी फ्लैश लाइट चालू करके हम भी प्रभु राम को प्रणाम करें, उस सूर्य तिलक की तरह हम भी अपने मोबाइल का फ्लैश निकाल करके, फ्लैश चालू करके, सब लोग अपने मोबाइल का फ्लैश चालू करें,
सब लोग भले दिखाई नहीं देगा लेकिन आप करें, प्रभु राम को सूर्य तिलक हो रहा है तब हमारे मोबाइल फोन से भी प्रभु राम को हम प्रणाम कर रहे हैं, हम भी सूर्य तिलक में हमारे मोबाइल के किरण भेज रहे हैं। मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो, हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी, 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 जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रभु राम के जन्मोत्सव को हम सबने यहां से उसमें शरीक होकर के आज जब सूर्य देवता स्वयं प्रभु राम जी के जन्मदिन को मनाने के लिए अयोध्या की धरती पर किरण के रूप में उतर रहे हैं, पूरे देश में एक नया माहौल है। और ये प्रभु राम का बर्थडे 500 साल के बाद आया है जब वो अपने निज घर में बर्थडे मनाने का सौभाग्य मिला है। बोले प्रभु रामचंद्र की, प्रभु रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। साथियों, बीजेपी ने आपके लिए और भी कई घोषणाएं की है। आपका बिजली बिल जीरो आए इसके लिए कम दाम पर सोलर पैनल दिए जाएंगे और उसके कारण आपका बिजली का बिल जीरो हो जाएगा। अरे बिजली का बिल तो जीरो होगा आने वाले दिनों में जब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेंगे, स्कूटी हो, स्कूटर हो, गाड़ी हो, तो सोलर वाली बिजली से उसका चार्जिंग भी होगा। और आज ट्रैवलिंग का जो खर्चा है ना, पेट्रोल डीजल का जो खर्चा है, वो भी जीरो हो जाएगा। देश की करोड़ों बहनें आज स्वयं सहायता समूह से जुड़ी है। हमने लक्ष्य रखा है 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। गांव गांव में हमारी बहनें ड्रोन पायलट बनेगी। इन फैसलों का बहुत बड़ा लाभ हमारे आसाम के लोगों को, यहां के गरीब, वंचित, दलित, किसान, पीड़ित और चाय बागान के मजदूरों को होगा। साथियों, जब किसानों की बात होती है तो यहां कोई खार भात को कैसे भूल सकता है। यहां तो हर कोई जानता है खार खुआ असमीज। इसलिए हमारी सरकार यहां के चावल किसानों की खास चिंता करती है। हमने खरीफ की फसलों का एमएसपी बढ़ाया है, इससे यहां के लाखों किसानों को लाभ हुआ है। असम के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत
5,400 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले हैं और अब बीजेपी ने इस योजना को जारी रखने का ऐलान किया है। यानी असम के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिलता रहेगा और वो भी बिना भेदभाव मिलता रहेगा। साथियों, आज पूरे देश में मोदी की गारंटी चल रही है और नॉर्थ ईस्ट तो खुद ही मोदी की गारंटी का गवाह है। जिस नॉर्थ ईस्ट को कांग्रेस ने सिर्फ समस्याएं दी थी, उसे बीजेपी ने संभावनाओं का स्रोत बना दिया है। कांग्रेस ने अलगाववाद को खाद पानी दिया, मोदी ने पूर्वोत्तर को गले लगाने का काम किया। मोदी ने शांति और सुरक्षा के लिए प्रयास किए, जो कांग्रेस के 60 वर्षों में नहीं हुआ वो मोदी ने 10 वर्षों में करके दिखाया। क्योंकि मेरे लिए आपके सपने ये मेरा संकल्प है, आपके सपने ये मेरा संकल्प है और इसलिए हर पल आपके नाम, हर पल देश के नाम, हर पल आपके सपनों के नाम और इसलिए 24/7 फॉर 2047। साथियों, मोदी ने ही अपनी मुस्लिम बहनों को 3 तलाक की टेंशन से मुक्ति दिलाई। हमने 3 तलाक की कुप्रथा के खिलाफ कानून बनाया। इसका फायदा ना सिर्फ मुस्लिम बहनों को मिला बल्कि उनके परिवार को मिला, पूरे परिवार को मिला, माता को मिला, पिता को मिला, भाई को मिला। 3 तलाक की वजह से मुस्लिम बेटियों के साथ उनके परिवार की भी जिंदगी तबाह हो रही थी। इसका लाभ असम की भी हमारी हजारों बहनों को हुआ है। साथियों, असम का विकास इस बात का सबूत है कि जब नीयत सही हो तो नतीजे भी सही आते हैं। कांग्रेस पार्टी ने सियासी फायदों के लिए इस क्षेत्र को अपने में पंजे में फंसा कर रखा था। कांग्रेस के पंजे ने पूर्वोत्तर को इसलिए जकड़ रखा था ताकि उनके लिए भ्रष्टाचार और लूट के दरवाजे खुले रहें। अब ये पंजा खुल गया है तो असम में सबका साथ सबका विकास का मंत्र लागू हुआ है। साथियों, अभी कुछ ही दिन पहले मैंने असम में देश की बहुत बड़ी सेमीकंडक्टर फैसिलिटी का शिलान्यास किया है। इस सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट फैसिलिटी पर 27,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया जाएगा। आने वाले समय में अकेली इस यूनिट से इस क्षेत्र के युवाओं के लिए 15,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर बनेंगे। आने वाले समय में पूरी दुनिया में असम को सेमीकंडक्टर सेक्टर के एक बड़े हब के रूप में पहचान मिलेगी। ये शुरुआत ऐतिहासिक है, अप्रत्याशित है। ये निर्णय इस क्षेत्र के विकास को एक नई शक्ति देने वाला है। नॉर्थ रीजन में हुआ निवेश विकसित भारत और विकसित यूनिवर्सिटीज के हमारे संकल्प का उदाहरण है। नॉर्थ ईस्ट के नौजवानों को भविष्य के भारत के हर सेक्टर में नए अवसरों से जोड़ा जाए, मेरे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है और ये अवसर लगातार इसी तरह से बढ़ते रहेंगे, ये मोदी की गारंटी है। साथियों, असम आज केवल दूसरे राज्यों की बराबरी नहीं कर रहा, असम विकास के नए रिकॉर्ड बना रहा है। जिस असम में सड़कें नहीं होती थी वहां 10 वर्ष में 2500 किलोमीटर नेशनल हाईवे बने हैं। दरांग, उदलगुरी, बारपेटा,
और कोकराझार के लोगों के लिए अकेले इस क्षेत्र में ही करीब 2000 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं पर काम हो रहा है। आज देश का सबसे बड़ा रिवर ब्रिज भूपेन हजारिका सेतु असम में है। आज देश का सबसे लंबा बोगीबील रेल रोल ब्रिज असम में है। अब गुवाहाटी में ही असम का अपना एम्स खुल चुका है। इसके अलावा बारपेटा और कोकराझार में भी मेडिकल कॉलेज खुले हैं। असम में 5 जिलों में कैंसर अस्पताल खोलने की योजना भी पर तेजी से काम चल रहा है। असम को 6 नई इंजीनियरिंग कॉलेज की भी सौगात मिली है। नॉर्थ ईस्ट की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए 90,000 करोड़ रुपए की लागत से नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड को तैयार किया जा रहा है। हाल ही में पीएम ऊर्जा गंगा योजना के तहत बरौनी गुवाहाटी पाइपलाइन को देश को समर्पित किया गया है। भाइयों बहनों, ये केवल विकास के आंकड़े नहीं है, ये सबका प्रयास का उदाहरण है। यहां कहा जाता है, राइजे नख जोकारी ले नॉयबोय, यानी यदि सब लोग मिलकर काम करें तो कठिन से कठिन काम आसान हो जाता है। असम आगे बढ़ रहा है, आप लोगों के प्रयास हैं। साथियों, यहां से मानस नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व भी बहुत दूर नहीं है। बीजेपी सरकार देश में टाइगर्स की संख्या हमारे कालखंड में बढ़ी है और वन क्षेत्र का भी विस्तार हुआ है। कुछ समय पहले ही मैं काजीरंगा नेशनल पार्क गया था और मैं देश का पहला प्रधानमंत्री थे जो वहां रात को रुका था। असम सरकार की शक्ति की वजह से अब राइनो का शिकार बीते दिनों की बात बन रहा है। असम के ये बायोडायवर्सिटी यहां की बहुत बड़ी ताकत है। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में संकल्प लिया है कि देश की हेरिटेज को ग्लोबल मैप पर ले जाएगी। इसे ग्लोबल टूरिज्म के भी असम आने की संभावना बढ़ेगी। असम में बढ़ता टूरिज्म या रोजगार के भी ज्यादा से ज्यादा मौके लेकर के आएगा। साथियों, हम विकास भी और विरासत के मंत्र पर चल रहे हैं। हम बारपेटा को वैकुंठ धाम बनाकर नमन करते हैं। इसी धरती ने श्रीमद शंकर देव और माधव देव जैसे संत दिए हैं। इसलिए आज अगर काशी में विश्वनाथ धाम का निर्माण होता है तो असम में कामाख्या कॉरिडोर की विकास भी किया जाता है। बीजेपी सरकार के प्रयासों से असम के महान योद्धा लसित बोरफुकन की 400वीं जयंती पूरे देश में मनाई और असम के गमोशा का ब्रांड एम्बेसडर तो खुद आपका मोदी है। लेकिन भाइयों बहनों, कांग्रेस को देश की विरासत इससे भी दिक्कत है। मैं असम के स्थानीय परंपराओं के कपड़े पहन लेता हूं तो कांग्रेस वाले मजाक उड़ाते हैं। कांग्रेस को असम के लोगों की भावनाओं की कोई परवाह नहीं है। साथियों, हमारे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जी असम के विकास के लिए इतनी मेहनत करते हैं कि यहां कांग्रेस का स्कोप ही खत्म हो गया है। कांग्रेस को दिया आपका वोट केंद्र में सरकार नहीं बनाएगा। बीजेपी को दिया आपका वोट विकसित भारत बनाएगा। इस बार बारपेटा से फणीभूषण चौधरी जी को, कोकराझार से जयंता बासुमतारी जी को और गुवाहाटी से बहन बिजुल कलिता मेधी जी को आपके रिकॉर्ड वोट से जिताना है। 7 मई को वोटिंग के पिछले सारे रिकॉर्ड टूटेंगे ना, सारे रिकॉर्ड टूटेंगे ना, हर बूथ जीतेंगे ना, घर घर जाएंगे, मतदान को जगाएंगे, सुबह सुबह मतदान कराएंगे। अच्छा, मेरा एक और काम है, वो भी करना है। आप घर घर जाना और घर घर जाकर के कहना कि हमारे मोदी जी आए थे और मोदी जी ने परिवार के सबको प्रणाम पहुंचाया है। मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे, मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सभी जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए।
एक उष्मा हाथ सापरे गगन लंबी कौटाली रे आमी।